everyone, welcome back to our channel. And in this video, we're going to continue the same chapter, which is reaching the age of adolescence. This is the chapter 10th of class 8. और subject क्या है? Biology. आज हम पढ़ेंगे कि कैसे, अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी हैं कि एक तो puberty कब आती है, कैसे आती है और हमारे पास adolescence stage कौन सी होती है. अब इनके अंदर चेंजमेंट तो हमने देख लिया कि काफी सारी चेंजमेंट हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, प्यूबर्टी में भी हो रही है, एडोलसेंस स्टेज जो हुई पूरी की पूरी उसमें भी चेंजमेंट आ रही है. लेकिन ये चेंजमेंट कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और कैसे ये चेंजमेंट आ रही है, आज हम उसके बात करेंगे. तो हाउ द चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी अकर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे वो चेंजमेंट कैसे हो रही है. इससे पहले हमने देखा था हाइट चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रही है, कुछ अलग ऑर्गन्स हमारे डेवलप कर रहे हैं, कुछ जो होंगे वो रिड्यूस हो रहे हैं. तो ये जो सारे सिस्टम होते हैं चेंजमेंट आ रही है वो कैसे चेंजमेंट आती है, उसके लिए हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड होता है. एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आते हैं ये. मतलब बड़ा हमारे पास क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड आएंगे. अब सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो टाइप के सिस्टम होते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें कोई रिस्पांस देना है, यानी हमारी बॉडी में कोई रिस्पांस चल रहा है. तो वो दो तरीकों से हो सकता है, एक तो होता है नर्वस सिस्टम से, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम से. अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो क्या होता है, जैसे अगर आपको कोई खाने की चीज बहुत अच्छी दिख रही है तो मुंह में पानी आ रहा है, वो हो गया. गर्म चीज का रिफ्लेक्शन जो होगा वो हो गया. या आपको एकदम से पता है कि हाँ आप रोड क्रॉस कर रहे हो, कार आ रही है तो आपको मुड़ना है. ये सारे के सारे सिस्टम या ये सारे सारे रिस्पॉन्स कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. और जो बाकी हमारे जैसे प्यूबर्टी के टाइम के अंदर जो चेंजमेंट हो रही है वो कौन कंट्रोल करता है, हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम. और एंडोक्राइन सिस्टम किससे बना हुआ होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से बना हुआ होता है. ये बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो करते क्या है, ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं. हार्मोन क्या होते हैं, ये केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि मैसेज देते हैं हमारे ग्लैंड्स को. यानी अलग अलग जगह पे जाएंगे वो, वहां पे उसको स्टिमुलेट करेंगे कि ये वाला ऑर्गन या फिर ये वाला जो ग्लैंड है ये वर्क करना स्टार्ट करिए, कोई हार्मोन्स प्रोड्यूस करे. तो ये क्या करेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे. क्या सिक्रीट करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे. हार्मोन क्या होता है, एक्ट एज अ मैसेंजर. यानी ये एक ऐसे केमिकल सिग्नल होंगे जो मैसेज लेके जाएंगे वहां से उस ग्लैंड से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी के पास. ट्रांसपोर्ट सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर. ठीक है, हमारे कहां से स्टार्ट हुआ, कोई और ग्लैंड था उसने सिक्रीट किया, हमारा जो हार्मोन है वो सिक्रीट कर दिया. वो सिक्रीट करके वो कहां पे पहुंचे, दूसरे सेल, दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी के पास पहुंचे. यानी सेल टू सेल सिग्नल ट्रांसपोर्ट हुआ हमारा. फिर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस. ये जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी एक जगह से दूसरी जगह वो गया है और वहां पे उसने कुछ चेंजमेंट करी है, तो ये जो चेंजमेंट हो रही है, ये जो मैसेज पहुंचा है उसका, ये पहुंचने की वजह से ही हमारे प्यूबर्टी में कुछ चेंजमेंट जो आ रही थी वो इसी का रिस्पॉन्सिबल होता है. यही हार्मोन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए. जैसे कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती. ऐसा नहीं होता कि ये किसी डक्ट के थ्रू वो हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं. ये क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही हार्मोन्स को डाल देते हैं और हार्मोन्स एक टारगेट साइट अपनी ढूंढता है कि कहां पे जाना है. जैसे ग्रोथ हार्मोन है तो वो ग्रोथ वाले सेल्स के पास जाएगा, हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है तो वो फॉलिकल्स वाले एरिया में जाएगा यानी ओवरी के पास जाएगा. वहां पे वो उसका टारगेट सेल है, वहां पे वो हिट करेगा और वहां पे वो अपना एक्शन दिखाएगा जिससे जो फॉलिकल्स होंगे वो मैच्योर होना स्टार्ट कर देंगे. तो इस टाइप का ही हमारे पास क्या है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं उनके अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं. अब बात आती है हमारे हॉर्मोन्स की. जो हॉर्मोन्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो इसको हम कह सके कि हाँ ये हॉर्मोन्स हैं और ये अलग हैं बाकी हमारी बाकी चीजों से. क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हॉर्मोन्स ही हैं और ये दूसरे केमिकल्स हैं. तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड. यानी ये सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड ही सिक्रीट करते हैं, उन्हीं को हार्मोन्स कहा जाता है. और एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं वो. अब इनके जो ग्लैंड हैं उनके नाम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपको तब क्लियर हो जाएगा. फिर आता है सर्कुलेट इन बॉडी फ्लूइड. तो बॉडी फ्लूइड यानी डक्टलेस ग्लैंड है, बॉडी के अंदर सीधा फ्लूइड जो हमारा जो ब्लड है उसी के अंदर डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है और वो वहीं पे सर्कुलेट करते हैं, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करते हैं हमारी पूरी बॉडी में. रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द टारगेट सेल. तो टारगेट सेल के ऊपर हमारे पास क्या हुआ,
एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया। हार्मोन क्या है? एक मैसेंजर है। मैसेंजर कहाँ गया? दूसरे सेल के पास गया है। सेल कौन सा है? वो टारगेट सेल है, यानी अब उसके बिहेवियर को चेंज करने का काम इसका है। रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ द टारगेट सेल। अब टारगेट सेल के पास सिग्नल पहुंच गया, उसको मैसेज मिल गया है कि अब तुम्हें काम करना है। कॉज लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ये क्या करता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है। ऐसा नहीं होता कि बस अभी दिया और वो खत्म हो गया, नहीं, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी देगा। यानी ये ऐसा केमिकल होता है जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है इन बॉडी लाइफ। कैसे होता है? चेंज इन बिहेवियर, जो बॉडी है हम बिहेवियर चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम एडोलसेंट स्टेज में देखें तो बच्चे की थिंकिंग चेंज हो जाती है, उसकी एबिलिटीज चेंज हो जाती है, उसके फीलिंग्स चेंज हो जाती है। तो ये जो बिहेवियर में चेंज आता है, ये भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ बहुत छोटे टाइम के लिए आया, अभी अभी हार्मोन रिलीज हुआ था तब आया, उसके बाद कुछ नहीं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहता है इसका, जैसे कि बिहेवियर में लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। ग्रोथ है, ग्रोथ है, अगर बच्चे की ग्रोथ बढ़ रही है तो वो बढ़ ही है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत छोटे टाइम के लिए कि अभी अभी बस बढ़ी थी और फिर खत्म हो गई, नहीं, पूरे 18 साल तक हमारी ग्रोथ बढ़ती है, हमारी बॉडी जो होती है वो ग्रोथ लेती है, तो वो हमारे पास पूरा टर्म चलता है। तो ये ग्रोथ भी हो सकती है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन को डेवलप करने में भी हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। कुछ ऑर्गन्स को वो डेवलप नहीं कर पाती है, जैसे हमारे टेस्टिस होते हैं, ओवरी होती है, इनके अंदर इनकी जो मैच्योरेशन होती है वो हॉर्मोन्स की वजह से ही हो पाती है, जिससे प्यूबर्टी हमारी स्टेज आती है। फिर आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कौन सी होती है? वो स्टेज जबकि हमारी बॉडी जो होती है वो इतनी रेडी हो जाती है कि वो रिप्रोडक्शन स्टेज में जा सके या फिर रिप्रोडक्शन कर सके, अगली जनरेशन को ला सके, तो उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। मेनोपॉज, मेनोपॉज क्या होता है? वो स्टेज जब फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी उसकी खत्म हो जाए, यानी अब वो 50-55 साल की उम्र हो गई है उनकी, 55 साल के उम्र के बाद अब वो बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती, तो वो वाली जो स्टेज होती है वो मेनोपॉज होती है। ये जो मेनोपॉज होता है ये भी किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन सिक्रीट करने से हमारी बॉडी को पता चलता है, सिग्नल मिल जाता है कि अब हम आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते या फिर आगे हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमारे पास याद रखनी है कि हार्मोन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और क्या होते हैं? सिक्रीट इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी ऐसा नहीं होता कि बल्क में बस सिक्रीट हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। अगर ऐसा हो जाए, अगर आप एक एग्जांपल भी लेके देखते हैं, अगर हमारे जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अगर वो सिक्रीट होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, तो हाइट कितनी बढ़ जाएगी? इंसान की हाइट तो बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता, एक लिमिटेड क्वांटिटी में होता है, और इतनी भी छोटी नहीं होती कि भाई थोड़ा सा सिक्रीट हुआ तो ड्वार्फिज्म में आ जाएगा बच्चा, जो होगा वो गुना रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर नहीं था। तो एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है एक हार्मोन का, फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे सिक्रीट हुआ और फिर खत्म हो गया, नहीं, टाइम के बाद जब जब टाइम है उसका तब तब वो सिक्रीट होता रहेगा और लिमिटेड क्वांटिटी में। वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे वो टाइम टू टाइम सिक्रीट होता रहेगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है डिफरेंट ग्लैंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन। जो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स होते हैं, यानी ऐसा जो ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, कोई एक अकेला ग्लैंड नहीं है, तो सारे के सारे ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ही सारे हार्मोन्स रिलीज करेगा या फिर हमारा एड्रिनल ग्लैंड है वही सारे, नहीं, जो अलग अलग है, पिट्यूटरी हार्मोन अलग हार्मोन रिलीज करेगा, जो पिट्यूटरी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो अदर दूसरे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेगा, ओवरी है वो अदर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये है, सारे डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट ग्लैंड्स। द नर्वस सिस्टम रेगुलेट द फ्लो ऑफ हार्मोन इन द बॉडी, और जो नर्वस सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है? सिर्फ उसका काम होता है रेगुलेट करना कि फ्लो अगर हार्मोन्स का प्रॉपरली बॉडी में हो रहा है या नहीं हो रहा, इसको रेगुलेट करने का काम क्या होता है? नर्वस सिस्टम का होता है। तो आई होप आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हुए होंगे हार्मोन्स के। तो हम एक बार फिर से एक ओवरव्यू सा ले लेते हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या करेगा? सिक्रीट करेगा हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? एक मैसेंजर होते हैं, यानी एक मैसेज देंगे दूसरे हमारे ऑर्गन को कि वहां जाके उसको काम करना है या कुछ ना कुछ चेंजमेंट वहां पे लेके आनी है। तो ये मैसेंजर क्या होंगे? ट्रांसपोर्ट होंगे, सिग्नल्स जो होंगे वो पहुंचेंगे एक सेल से दूसरे सेल के पास, फिर क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस। तो जो प्यूबर्टी में आपने चेंजेस अभी तक पढ़े हैं वो चेंजेस इसमें आ जाएंगे। तो वो चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं? मेन रीजन क्या है उसका? हार्मोन्स का।
तो हॉर्मोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए कि ये हॉर्मोन्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हॉर्मोन जो होंगे वो सिक्रीट किससे होने चाहिए, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हुए होने चाहिए। जो सर्कुलेशन होती है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसके अंदर बॉडी फ्लूइड के अंदर डायरेक्ट सर्कुलेशन होना चाहिए, यानी डक्ट नहीं चाहिए होती, इसको डक्ट के थ्रू नहीं होता, ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं। और क्या चीज आती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द बिहेवियर ऑफ टारगेट सेल्स। तो टारगेट सेल्स पे, क्योंकि इनका काम क्या है, टारगेट जोन से सेल के पास सिग्नल गए हैं, पहुंचे हैं, वो उनकी टारगेट साइट है, वहां जाके वो अपना एक्शन करेंगे, तो वो रेगुलेट करेंगे। एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होना चाहिए ये सारे बिहेवियर को चेंज, जैसे अगर हमारा चेंज ऑफ बिहेवियर आ रहा है तो ये भी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, अगर ग्रोथ है तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी चीज बदल रही है, कोई भी चेंजमेंट आ रही है, ये होना चाहिए। फिफ्थ हमारे पास क्या था, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर ये सिक्रीट हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सेस में सिक्रीट हो जाए या फिर बहुत कम में सिक्रीट हो। फिर आता है डिफरेंट ग्लैंड जो होंगे वो डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। एंडोक्राइन के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स आते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उनकी, वो सारे के सारे अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करते हैं, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर आता है नर्वस सिस्टम जो होता है वो रेगुलेट करते हैं कि कैसे फ्लो चल रहा है हमारे हार्मोन्स का बॉडी के अंदर। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुए होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।